Desi what? A Desi vibe. With Shehnaz Gill. She's got the vibe. Hi guys, welcome to our show Desi Vibes with Shehnaz Gill. सो गाइज, आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और सरप्राइज एपिसोड लेकर. और आज का एपिसोड ना एकदम सीधा सीधा नहीं होगा, इसमें ट्विस्ट होगा, टर्न होगा. मतलब ये एपिसोड इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप इसको घुमा के कहीं भी ले जा सकते हो, गारंटी. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस एपिसोड में, तो खुद ही देख लो. प्लीज वेलकम द मोस्ट चार्मिंग हीरोइन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड जो बहुत ही हम्बल इंसान है. सीरियसली आप लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो भी बात करो. शी इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, दिशिल्पा शेट्टी. पिशाद हो योगा. ये योगा मैट पहली बार किसी ने बिछाया मेरे लिए, क्योंकि रेड कारपेट की जगह योगा मैट आ रेड के लिए ज्यादा सूट. रेड मैट. हाँ जी, वाह वाह वाह. ये सिर्फ शहनाज गिल के शो पे ही हो सकता है, कुछ अलग. यस. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. आप पढ़ाई करके आए हो? क्या करें यार, ऐसे लग रहा है जैसे एग्जाम पे जा रही हूँ. इसमें क्योंकि प्रमोशंस में वही, मतलब सारे जर्नलिस्ट सवाल वही करते हैं, पिक्चर वही है, लेकिन सबको अलग से टाइम चाहिए. हाँ, क्या हो जाता है, बहुत ही मतलब सेम चीज़ आप दोहरा रहे हैं ना, तो हम भी बोर हो जाते हैं. तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं 3-4 पॉइंटर्स लिखती हूँ और उसको अलग अंदाज में मैं कैसे बोलूंगी वो मैं देखती हूँ. तो आपने ये पॉइंटर्स लिखे हैं इधर बताने के लिए? नहीं, तो कुछ मैंने ऑलरेडी. तो एक काम करो. हाँ, ये पढ़ दो, ऐसे ही पढ़ दो सुखी के बारे में ना. पॉइंटर्स पढ़ दो, यही लगाएंगे. नहीं नहीं, हिट्टे मुंह. आई थिंक इस शो पे मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक मैं जो भी कहूंगी इस शो पे ऑनेस्टली बोलोगे. ऑनेस्टली सच सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगी. और सुखी के बारे में मैं बस इतना बताऊंगी कि ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है. आई नो हम सारे आर्टिस्ट हैं, आप भी एक्टर हैं, तो जब भी हम फिल्म प्रमोशंस के लिए जाते हैं तो हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और ऑडियंस को जताने की ये कोशिश करते हैं कि यही सबसे बेस्ट और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा. और उस वक्त में आई थिंक हमारे लिए वही बात ज़्यादा अहमियत रखती है. लेकिन ये फिल्म ऐसी फिल्म है, आई थिंक लोग शॉक हो जाएंगे मुझे इस अवतार में देख के, क्योंकि इस किस्म का किरदार मैंने कभी प्ले किया नहीं है और ये मेरा 30वां साल है इंडस्ट्री. अच्छा, मुझे तो लगा ये जैसे हमने पोस्टर देखा है, पोस्टर में आपने बेलना भी पकड़ा हुआ है, ये पर्स भी पकड़ा हुआ है, सब पकड़ा हुआ है, हॉर्स राइडिंग भी आप कर रहे हो, तो मुझे तो लगा आपसे इंस्पायर्ड आपको कैरेक्टर प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी. हॉर्स राइडिंग क्या, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती. क्या बात का. और इस फिल्म में ना हॉर्स राइडिंग छोड़ो, हॉर्स राइडिंग का एक किस्सा बताऊं. मुझे बताया कि हॉर्स के साथ जरा दोस्ती कर लेना, तो मैंने जाके उसको शक्कर खिलाने की कोशिश की. उस हॉर्स ने मुझे काट ही दिया. उसे सेक्सी इतनी काटेगा, उसको भी पता चल गया. नहीं बताओ, मेरी बात सुनो, काटा क्यों ऐसे, रीजन? पता नहीं, नाखून तो नहीं मार दिया? नहीं नहीं, मैं ऐसे रखा. नॉर्मली आपको एक्चुअली पाम स्ट्रेट करना पड़ता है. हाँ. मैंने थोड़ा सा ऐसे कर ओ, उसने ऐसे कर दिया. okay. बेचारे हॉर्स को जब भी मैं देखती थी तो मैं फिर डर जाती थी. तो ट्रेलर में भी ऐसे ही है, वो जब भी ग्राउंड नहीं करता था ना, मैं डर जाती थी कि अभी वापस काटने तो नहीं आ रहा मुझे. बट रही बात सुखी की, सुखी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 20 साल तक स्पैन करता है. जो 20 साल पहले वो लड़की थी, बेधड़क, बेपरवाह, बेशरम, शादी होते ही वो भाग के शादी करती है और उसको लगता है बस प्यार ही काफ़ी है अपनी उसकी ज़िंदगी में. लेकिन 20 साल के बाद जब वो बैठ के सोचती है कि वो लड़की रही नहीं, वो पुरानी सुखी कहीं खो गई है, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो 20 साल के बाद मिलती है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स जो है जिसके साथ, इमेजिन बेस्ट फ्रेंड्स होने के बावजूद वो उसको 20 साल लगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग, वो अपनी लाइफ में बिजी है. तो रीयूनियन पे आई थिंक फ्रेंड्स से ज़्यादा उसको उस रीयूनियन में अपनी पुरानी वाली सुखी के साथ आई थिंक रीयूनियन उसका हो जाता है. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सुखी, कि
कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, सेल्फ लव के बारे में भूल जाते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भूल जाते हैं. करेक्ट. जब फैमिली की बात आती है तो हम वक्त सिर्फ सिर्फ फैमिली के बारे में सोचते हैं, और वक्त जितना भी वक्त होता है हमारे साथ हमारे पास वो हम फैमिली को देते हैं, बच्चों को देते हैं. और हमारी परवरिश भी ऐसी हुई है बचपन से. आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आई है, मैं भी मेरी परवरिश भी मिडिल क्लास ही रही है. तो हमको बताया गया कि आप कितना भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वर्क करते थे, मेरी मम्मी काम पे जाती थी, तो माहौल, ये जो माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया है ये कोई अलग माहौल नहीं है. जितने भी मिडिल क्लास वाइव्स है और लेडीज़ हैं वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे. और सिर्फ लेडीज़ की कहानी नहीं है, पूरे परिवार की कहानी है. तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं वो रेजोनेट कर पाएंगे इस कहानी के साथ. तो मैं क्या कह रही थी कि हम लेडीज़ जो है, हमारी परवरिश, हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि हम कुछ भी करें, हम हाउसवाइफ हो, हम बाहर जाके अचीव भी करें कुछ अपने वर्क लाइफ में, घर तो हमी को संभालना. हाँ, वो अंडरस्टूड है और वो टेकन फॉर ग्रांटेड है. लेकिन जो हम काम करते हैं उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ना ही कोई उसकी वैल्यू है. अरे इसको तो करना ही है. तो बस उसमें आई थिंक वो जो थोड़ा सा अपने लिए सोचना, वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है हम लोगों के लिए. तो ये सुखी फिल्म में हमने बस इसी बात को बहुत ही हंसी मजाक में छेड़ा है. बोलते हैं कि कभी कभी कुछ सीरियस टॉपिक को छेड़ने के लिए हंसी मजाक में उस चीज़ पे अगर उसका क्रच लिया जाए तो वो बात सच भी होती है और इतनी कड़वी भी नहीं लगती. राइट. सो आई जस्ट फील दैट सुखी इज ऑल अबाउट दैट. तो आप इसमें से जो रखना चाहें आप रख सकते हैं. तो इसमें मतलब सब देखने को मिलेगा विनय. और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से इस फिल्म को शूट किया गया है. ऐसा नहीं है कि कोई रोंदू कहानी. हाँ हाँ. हर बीवी अपने पति को नज करके बोलेगी कि देखा ये मेरी कहानी है. और हर पति अपनी बीवी को बोलेगा देखा ये मेरी कहानी है. अच्छा. सो यू नो ऑल द मैरिड कपल्स एस्पेशली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप. ओके. तो सुखी पता है मेरे ताया जी की लड़की का नाम. अच्छा. मैंने वैसे उसको कभी याद नहीं किया. जब मैंने देखा ना पोस्टर आपका सुखी, तो मैंने कहा लो जी वो याद आ गई. मेरे रात की मेरी शक्ल घूमी जा रही है उसकी. पहले कभी अभी सुखी जब नाम आएगा तो फिर मेरी शक्ल ही आनी चाहिए आपके जहन में. बाकी सारी शक्लें, उनका पूरा नाम भी सुखी है. हाँ, सुखी नहीं, उसका नाम वैसे है सुखविंदर, बट जो वैसे नाम है वो सुखी है. तो मेरा पूरा नाम इस फिल्म में है सुप्रीत कालरा. सुप्रीत कालरा. सुप्रीत अच्छा नाम है यार, है ना. हाँ, तो सब मुझे सुखी बुलाते हैं फिल्म में. आपको देख के भी ऐसी वाइब आ रही है, आप शिल्पा शेट्टी टाइप फीलिंग नहीं आ रही, सुखी लग रहे हो जब बात कर रही हो. मैं हमेशा सुखी रहती हूँ. वो अच्छा, दूसरे वे में भी हैप्पीनेस. हाँ, दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी. हाँ. तो हमारी फिल्म आ रही है 22 सितंबर को. प्लीज जाइए और देखिए और सुखी हो जाइए. आप वैसे तो रियल लाइफ में इतना मतलब बिजनेस वुमन भी हो, आप एक्टर भी हो, आप डांस भी अच्छा करते हो, रियलिटी शो भी कर चुके हो, वैसे रियलिटी शो भी करते हो, सब करते हो. तो ऐसा कोई हिडन टैलेंट जो आपके रह गया हो जो हमारे शो में लोगों को पता चले? अभी कुछ छुपा है नहीं यार, सब दिखा दिया ना. कुकिंग भी दिखा दी, ऐप पे भी खोल ली, सब कर लिया आपने. ऐप पे भी खोल ली. पता है मैंने कभी कुछ सोच के किया नहीं शनाज. जो जो मुझे लगा कि मुझे जिस चीज में मुझे रुचि है, मैंने उस चीज में कुछ करने की कोशिश की. ऐप जो शिल्पा शेट्टी का ऐप है वो इसीलिए है क्योंकि लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं कैसे मेंटेन करती हूँ. हाँ. मैं क्या करती हूँ और मैं किस तरीके के एक्सरसाइजेस करती हूँ. तो मैं थक गई थी, मैं क्या खाती हूँ, तो मैंने कहा सब कुछ डाल दो एक ऐप में. तो आप जाके बस डाउनलोड करके आप अलग अलग प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ एक न्यूट्रिशन प्लान भी है. तो आधा अधूरा कुछ नहीं करती मैं. हाँ. अगर मैं करती हूँ तो मैं पूरी तरह से करती हूँ. ओके. तो कुकिंग भी लोगों को लगता है कि अगर आप पौष्टिक खाना बनाने जाओ और अगर आप खाने जाओ, तो लोगों को ऑलरेडी ये गलतफहमी है कि
न्यूट्रिशियस फूड में कोई टेस्ट नहीं होता. तो मैंने फिर चैलेंज की तरह लिया और फिर मैंने यूट्यूब पे आई थिंक अदर देन द फैक्ट दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट मैंने फिर भी किया. एक्टर्स नॉर्मली यूट्यूब पे नहीं तो आते नहीं है. राइट राइट. तो आई थिंक वाज बीन वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट अ कुकिंग चैनल ऑन यूट्यूब और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. जब मैंने शुरुआत की थी इतनी पॉपुलर नहीं थी क्योंकि जो पैसे देकर थिएटर में जाते हैं ना वो यही ऑडियंसेस हैं. राइट राइट राइट. यही सच में आपसे प्यार करते हैं. राइट. ये मैंने पहला एक्टर आप पहले बंदे हो जिसके साथ मैं बात करके ऐसी बातें सुन पा रही हूँ. ये बट ये सच है और ये आप जानती भी होंगी शायद दूसरे बोलते नहीं है लेकिन ये सच. तो आप जैसे यूट्यूब में कुकिंग वगैरह करते हो तो आप कोई रेसिपीज फॉलो करते हो या फिर खुद की रेसिपीज है? तो मेरी एक पूरी टीम है जो आई मीन उनके सहारे के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती. ओके. तो दे ऑल वर्क ऑन अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट डिशेस और फिर मैं बैठ के डिसाइड करती हूँ कि कौन से 8 या 10 डिशेस मैं शूट कर सकती हूँ एक साथ क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो 8-10 डिशेस एक साथ बनाते हैं. ओके. हाँ और पैसे मिलते नहीं है. मैं पैसे डाल रही हूँ तो प्लीज देख लो यूट्यूब कर लो. यूट्यूब वैसे है अच्छी कमाई अगर देखा जाए तो. मैंने कभी कमाई के लिए किया ही नहीं अभी तक. मेरे जाता है भाई पैसा मैंने तो देखना नहीं है बस आ रहा है और जा रहा है. चलाने के लिए जा ही रहा है बस. पर जा क्यों रहा है? हस्बैंड तो इतने अच्छे आपके. चलाने में हस्बैंड का थोड़ी है कुछ. हाँ. जो भी मैं करती हूँ अपने दम पे करती हूँ. हाँ और काम करना बहुत जरूरी है. राइट. आई थिंक जितने भी आपके माध्यम से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती. मैंने 17 साल की उम्र से मैंने काम किया और मैं चाहती हूँ जिस दिन मैं जाऊँ मैं आई गो विथ माई बूट्स ऑन. मैं काम करते हुए जाना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके. राइट. और मुझे लगता है जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज है उनको भी लड़कियों को अब आगे पुश करना चाहिए कि आप काम करो. इक्वली ट्रीट करना चाहिए लड़के लड़के. मेरा बस यही है कि मेरे बच्चे भी देखे कि जो माँ है वो जाती है काम पे और वो बहुत हार्डवर्क कर रही है तो वो एक रिस्पेक्ट रहता है. मेरे बच्चे जानते हैं. मेरी 3 साल की बच्ची है समीशा वो पूछती है मुझे मम्मा शूटिंग तो उसको पता है लेकिन उसको ये भी पता है कि शूटिंग के बाद मैं घर आऊँगी. आई विल ऑल्सो पुट हर टू बेड. आई विल ऑल्सो फीड हर. मुश्किल होता है. देर इज इट्स अ 24/7 जॉब. राइट. आपकी अभी तक हुई नहीं है शादी बच्चे नहीं हुए जब हो जाएंगे ना आंसर फुल टाइम जॉब. मैं वही तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरे से तो शूटिंग करके मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी? सब हो जाता है आई थिंक. एयरपोर्ट लुक एयरपोर्ट पे भी जाना होता है मीडिया के आगे पोजेस से ज्यादा बच्चों को देखो कहाँ है इधर उधर तो नहीं हो रहे. बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली कभी कभी फैंस के साथ भी. हाँ. हम बच्चे का हाथ पकड़े और फिर सडनली बोलते हैं अरे सेल्फी. हाँ. और पुश कर देते हैं यार. राइट राइट. लोगों को समझ नहीं आता कि भैया एक्टर तो मैं हूँ लेकिन उस वक्त मैं माँ भी हूँ. राइट. ये जो मेरा नज़रिया था कब चेंज हुआ पता है? मैं ट्रैवल करती कहीं गई थी और कोई इवेंट के लिए आनंद श्वार्ज़नेगर आए थे उस होटल में. कौन आए थे? आनंद श्वार्ज़नेगर जो हॉलीवुड एक्टर है. अच्छा. तो वो आए थे किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए और मैंने हील्स पहने हुए थे. तो मैंने उतार के मैंने राज को बोला अरे आनंद श्वार्ज़नेगर मुझे तो पिक्चर लेनी है उसके साथ में. जीते उतार के मैं भागती हुई गई उसके पीछे पीछे और उसके बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स थे मतलब सांड जैसे. हाँ लंबे चौड़े. एंड मैं गई और मैं चाह रही थी देखो एक फैन आपको किस नज़रिए से देखता है क्योंकि उसको एक ही मौका मिलता है. राइट. है ना आपसे रूबरू होने का तो वो उस मौके को खोना नहीं चाहता. तो मैं फ़ैन की तरह गई और मुझे उन बॉडीगार्ड्स ने रोका ऐसे ज़ोर से तो मैं एक्चुअली दो स्टेप पीछे गई. और तब तक राज भगते भगते आए एंड ही गॉट वेरी अपसेट एज अ मैन कि भैया आप एक लेडी को ऐसे कैसे पुश कर ले. हाँ, कर हाँ, हाँ.
तीसरा आपको पता भी है कि यू नो शी इज एन एक्टर फ्रॉम इंडिया, तो यू गॉट अ लिटिल पोजेसिव, तो दे डिडंट केयर. तो मुझे मेरा दिल टूट गया. अगले दिन हम लोग दोनों उसी इवेंट के लिए गए थे और हमको फ्रंट रो सीट्स पे बिठाया गया. एंड फिर जाके किसी ने बोला होगा उनको कि शी इज़ एन इंडियन एक्टर, एंड तब जाके उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो लिया. Okay. लेकिन बिकॉज आई वॉज एन इंडियन एक्टर तो उन्होंने फ़ोटो लिया. बट यू नो सो आई रियली फेल कि शायद यही यू नो यही सोच के कि आई हाउ आई फेल्ट हर्ट एज अ फैन. तो मैं फैंस को उस नज़रे से देखती हूँ अभी कि उनको ये एक ही मौका मिलता है. हाँ हमको मुझे मैं वरी करना तब शुरू करूँगी अगर फैंस मेरे पास नहीं आए. लेकिन आपको क्या लगता है वो सारे फैंस ही होते हैं जो आपके साथ फोटो लेते हैं? नहीं, सम पीपल आर ऑब्नॉक्शियस, आई हैव टू अग्री. आई थिंक उसे वे करना बहुत ज़रूरी है कि ये सच्चे दिल से एग्जैक्टली आपका फैन है. माई पॉइंट कि ही इज़ जस्ट यू नो ट्राई. हाँ, क्योंकि मुझे ना समझ आ जाता है जो सच में प्यार करते हैं ना वो उनकी फील ही अलग होती है. जैसे मेरे साथ ना एक चीज़ हुई थी, मैं ये मॉल है इनऑर्बिट, मैं मास्क सब लगाया हुआ था. मैं जब भी जाती हूँ मास्क एंड कैप लेकर जाती हूँ क्योंकि आँखों की बहुत पहचान. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं गई और ना लड़की आई, उसने पहचान लिया. मैंने कहा शिट, अगर एक को पिक्चर मिली तो इधर सब तंग करेंगे, मेरी तो शॉपिंग बीच में रह जाएगी. तो ना वो आई, मैंने कहा चल कोई ना बात करती हूँ. तो उसने खुद ही बोला शहनाज कैसी हो, मैं हग कर लूँ? मैंने कहा हाँ कर लो हग. मैंने कहा बट किसी को पता ना चले. तो कहती हाँ. तो उसने बड़ा टाइटली हग किया. तो मेरे को लगा अब फ़ोटो मांगेगी. तो उसने पता क्या किया, इस फोटो नहीं चाहिए मुझे, पता है इधर बहुत तंग करेंगे लोग, बस तुझे बस हग करना था. ये जेन्युइन फैन है, आपको आप सोच नहीं सकते मैंने क्या किया. मेरे को ये बड़ा वो अंदर से कुछ फील हुआ. मैंने कहा रुको फिर आपने किया तो देती हूँ, एक काम करते हैं उधर वॉशरूम में चल सराजी कर सकते. कहती है सच्ची, चलो ठीक है ठीक है ठीक है. फिर वो वॉशरूम में जाकर मैंने उसको फोटो दी. वाह, मेरे को यार ऐसे कैसे नहीं फोटो लेकर जाएगी ये. That's really sweet. पहले ना क्रेव करते थे, पहले हम लोग फोटोज लेके जाते थे और फैंस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. हाँ. फिर ऑटोग्राफ देते थे. ओके. दैट वाज अनदर टाइम. हाँ. इन द 90s. एंड अभी क्या है, पूछे बिना वो लोग बस फोटो ले लेते हैं. आप कभी कभी कुछ खा रहे हो सेट पे तो फोटो ऐसे ऐसे और भी डाल देते हैं फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ, और बाद में ट्रोलिंग शुरू हो जाती है. ये देखो नेचुरल ब्यूटी. तो मतलब देयर इज नो ऑफ डे, यू नो. हाँ, वो मुझे कभी कभी बुरा लगता है, बट इट्स ओके. और लोगों को लगता है ये परफेक्ट ही होगी, अगर हीरोइंस है तो ये परफेक्ट है, इनको हम बिल्कुल नहीं है परफेक्ट, हमने मेकअप भी किया हो बहुत अच्छा. एक चीज बताओ, दिल वालों के दिल का करार लूटने में आई यूपी बिहार लूटने, आपने ये जो बात ये जो थी यूपी बिहार लूटने वाली, ये तो आपने धोखा किया यूपी बिहार के साथ. क्यों? क्योंकि आपने पंजाब में शादी कर ली तो आप तो ब्रिटिशर से भी वो निकले. वो मुझे थोड़ी आपकी जानिए, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती है. हाँ जी. तो मेरा ये मानना है कि राज इज़ माई सोलमेट और उनका मेरी ज़िंदगी में आना ऑलरेडी लिखा था. हाँ. एंड हम लोग मिले, मुझे लगता है मैं बिग ब्रदर जीती और मैं काफ़ी रही लंदन में इन द यूके आफ्टर आई वन बिग ब्रदर, क्योंकि बहुत सारे वर्क असाइनमेंट्स थे एंड व्हाटएवर. और मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई उनसे, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई थिंक हमारे सिर्फ दिल नहीं मिले, हमारे सोल्स मिले. एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. एंड जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करते हैं तो इट बिकम्स मच ईजियर. राइट. सो ही इज़ ऑलवेज बिन माई स्ट्रॉन्गेस्ट चीयरलीडर. एक्चुअली पता है मैं सुखी करने वाली नहीं थी, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं अभी एक फिल्म करना चाहती. तो मैंने राज को बोला कि यू नो ये स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो. तो ही रेड इट. और मैं कहीं बाहर थी, वो मुझे बार बार फ़ोन किए जा रहे थे कि अरे यार ये इंटरवल पॉइंट क्या कमाल है, अरे ये सीन में इतना हंस हंस के वो बोल रहे थे मुझे कि यू नो ये सीन कितना कमाल है.
फिर मैं घर वापस आई और उन्होंने बोला कि वो यू हैव टू डू दिस फिल्म. अच्छा तुम्हें ये फिल्म 100% करनी चाहिए, तुम सोच भी क्यों रही हो. तो मैं इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये पूरी पिक्चर जो है इसकी शूटिंग हो रही थी चंडीगढ़ में. ओ और तो बच्चों से थोड़ा. हाँ तो सोनल ने मुझे बोला कि 25 दिन का आउटडोर होगा. तो मेरा दिल बैठ गया कि 25 दिन मैं अपने बच्चों से कैसे दूर रहूँगी. तो विक्रम मल्होत्रा तो मैंने ना कर दिया कि मेरे से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उस वक्त मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी शूट कर रही थी. अच्छा. विक्रम मल्होत्रा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप जब भी रेडी हो हम आपका इंतज़ार करेंगे और ये फिल्म बनेगी तो सिर्फ आप ही के साथ बनेगी. वाह. उन्होंने 8 महीने इंतज़ार किया और ऐसे शूट किया हमने कि मैं आज आ रही थी. तो हम 7 दिन शूट करते थे, मैं वापस आती थी, एक दिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए शूट करती थी, एक दिन बच्चों के साथ बिताती थी और वापस मैं शूट करती थी. और 4-5 दिन, फिर 5 दिन मेरे बच्चे आए चंडीगढ़. तो मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चों से दूर थी. आपको पता है अगर आपको उन्होंने आपके साथ ही करनी थी ना तो आपके पास आइडिया नहीं आया. आप तब करते ये फिल्म जब बच्चों की लंबी छुट्टियां पड़ती. हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उनको करना तब था फेब में और तब छुट्टियां होती नहीं है. अच्छा. क्योंकि नहीं तो चंडीगढ़ बहुत गर्म हो जाता है. सो द हीट वॉज अ बिग फैक्टर. तो चंडीगढ़ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. इट वॉज लवली शूटिंग देयर. गेड़ी मारी आपने वहाँ 3B2 में? ये सब तो नहीं किया हमने. हाँ कुत्तों की तरह काम किया बस. तो वैसे घूमे वहाँ पे या नहीं? इतना तो नहीं घूमे बट क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे. मैंने तो 6:30 बजे पहला शॉट दिया है उधर गर्मी की वजह से कि जल्दी इस पिक्चर को ख़त्म करिए तो गर्मी में हम शूट नहीं कर पाते. तो दैट्स व्हाई वी डिडंट इतना मज़ा करने के लिए वैसे इतना टाइम नहीं मिला. लेकिन हाँ खाना पीना तो बहुत मज़ेदार है चंडीगढ़ में. ये तो है. ये जो पंजाब आपके घर में भी पंजाब का ही माहौल होगा ना? सैटरडे संडेज पे शट्टी वाला खाना बनता है तो बाकी दिनों पे नॉर्थ इंडिया. तो सैटरडे संडे आप खाते हो वो खाना? हाँ पूरा. संडे तो मैं खाती हूँ, तुम जानती. चीट डे? हाँ मेरा चीट डे होता है. तो सब कुछ जैसे बाद में बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस ही तो होता है सब कुछ जिंदगी में, बैलेंस ही तो होता है. अगर हम तो थोड़ा सा खा ले पेट निकल आता है. आपका कैसे नहीं निकलता? निकलता है. मैं बहुत अच्छे से छुपाती हूँ. छुपाने में टैलेंट है. टैलेंट छुपाने नहीं. हाँ तो देखो किसी भी चीज़ को अगर आप अचीव करना चाहते हो बिना मेहनत के तो नहीं आपको वो मिलेगी नहीं. तो मेहनत जारी है और वो मेहनत रुकनी नहीं चाहिए. सही बात है. आपसे मैंने सीखा योगा करना. मैं योगा का ना वैसे मैं योगा फिट हुई हो. My God, Shehnaz, superb. Big round of applause for Shehnaz. Superb. She's the fittest, best. Wow. Wow, wow. मेको actually नजर लग गई है. अब मैं योगा कर नहीं पाती. क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया. क्यों? अरे यार वो क्या हुआ, बाबा जी करा रहे थे मेरे, जो बाबा जी है हमारे, वो करा रहे एक दिन मैंने वो हलासन नहीं होता उसमें मजा बढ़ाया कि टांगे पूरी. हाँ हलासन में मेरी टांगे पूरी नीचे तक लंगी. मैंने कहा वाओ अब मेरा क्या है. स्पाइन इशू हो गया था. मेरा क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा ये हुआ ना, मैंने वीडियो कॉल लगाई अपने दादा दादी को. मैंने कहा देखना आपको एक चीज करके दिखाती हूँ. बेड पे लेटी लेटी हलासन कर रही हूँ. मेरे पच आवाज आई यहाँ से, ये क्या हुआ? उसके बाद क्या सर्वाइकल शीर्षासन व्यूशासन करती हूँ. ओके. आराम आराम से करो और सही टेक्निक का यूज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते. आप किससे इंस्पायर होते हो? बहुत सारे लोग हैं जिनसे जिनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ. बहुत सारे रीजंस के लिए इंस्पायर होती हूँ. मैं आपको देखती हूँ, मैं बहुत इंस्पिरेशन. ओह माय गॉड आई हैव इंस्पिरेशन. हम सबकी एक अपनी जर्नी है. नो मैं सीरियसली बोल रही हूँ. एक आर्टिस्ट है वसुधा चंद्रन जी, अगर आप इनकी उनकी कहानी पढ़े तो वो कितने मुश्किल दौर से गुजरी. शी हैड एन एक्सीडेंट, शी हैड वन ऑफ हर लेग्स एम्प्यूटेटेड.
लेकिन उन्होंने जब ठान लिया कि उनको फिर भी डांस करना है, भरतनाट्यम डांसर थी और उनको डांस से इतना प्यार था कि उन्होंने वो जयपुर लेग डाल के उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया. तो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज लाइक दैट, रियल स्टोरी होना. हाँ, विलपावर होना बहुत जरूरी है. तो या स्ट्रॉन्ग वुमेन इंस्पायर मी. सही है, और कुछ पूछना है? मुझे तो लगता है. अच्छा यार, वो वैनिटी आपकी, हाँ क्या बड़ा, मैंने सुना है वैनिटी बड़ी अच्छी है. आपने खुद की वैनिटी ली है? उस पे भी बहुत पैसे खर्च किए हैं. कितने खर्च? अरे मत बोलो यार, उसमें सब कुछ मिलेगा बंदे को. क्या है कि सबसे ज्यादा टाइम तो हम सेट्स भी बिताते हैं. हाँ, वैनिटी वैन हम लोग नॉर्मली रेंट पे लेते हैं. हाँ, तो मुझे या तो बहुत झटाक लगते थे और कभी टीवी नहीं चले तो कभी म्यूजिक सिस्टम है नहीं. हाँ. तो मैंने रियलाइज किया कि अरे यार, अपने अपनी खुद की हो तो बेटर है और फील भी अच्छा. हाँ, तो मैं अपना सामान रखती हूँ, यू नो. मैं आती हूँ एक्चुअली, जब आप मेरे वैन में आएंगे ना, आपको लगेगा कि आप टेम्पल में आए हैं. वाह. आप किसी मंदिर में आए हैं, क्योंकि सिर्फ ओम साई राम मंत्र, वैदिक चांट, विष्णु सहस्रनामा, मैं ललिता सहस्रनामा, मेरा ये चलता है. मम्मियों के क्या और कितना वही ना हो, हमने मम्मियों की फिटनेस, सबकी फिटनेस ऐप खोल दी, सब खोल दिए, एक ही बात पूछते रहते हो. मुझे भी वही एक ही बात पूछते रहते, आप कैसे पतले हुए, आपने क्या, मैं कितनी बार बताऊं. बोरिंग ना? वेरी बोरिंग. हाँ, कितना शैला, आप क्या पूछना चाहती हैं मुझसे? ऐसे ही वही पूछना था कि आप किसको फॉलो करते हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो? मैं साई की बहुत बड़ी भक्त हूँ. तो अच्छा. और मैं कल ही शिरडी जाके आई. और वैसे तो मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ. हमारी परवरिश ऐसी हुई कि आई डोंट नो आई एम रिलीजियस, बट स्पिरिचुअल तो मैं हूँ. इसमें एक अंतर है. यस. Yes. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो वैल्यूज सिखाऊँ जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए. एंड आई थिंक टू हैव देम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. भगवान में फेथ रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत छोटी उम्र से शुरू करना इम्पॉर्टेंट है. राइट. आई ट्राई टू डू दैट. तो मैं हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन साई का जो रिलेशनशिप है मेरे साथ, वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी. अगर आप श्रद्धा के साथ बस उनको याद रखो, अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब दैट इज़ द ट्रू टेस्ट देखने के लिए कि आप में वो पेशेंस लेवल कितना होगा और आप उस बुरे टाइम में लोगों के साथ आपका बर्ताव क्या है. तो आई थिंक ही इज़ टॉट मी अ लॉट. और कितना भी बुरा समय हो, आई थिंक उनका हाथ मेरे सर पे रहा है एंड इट इज़ टेकन मी आउट ऑफ द सी. वही ना जो कनेक्ट करता है जी, आपको वो चीज़ कनेक्ट करती है, आप रिलेट कर पाते हो उनसे. और जितने भी साई भक्त है वो अग्री करेंगे मेरे साथ कि कोई तो है शक्ति. राइट. और उनका प्रेजेंस जो है वो, अगर आप सच्चे मन से उनको याद करें तो एक्चुअली वो दिखते हैं. तो मैं एक बार गाड़ी में जा रही हूँ, वैसे बहुत सारे वाकई हुए मेरे साथ, तो मैंने कहा अगर आप सच्ची में हो तो मुझे दिखाओ. तो मैं लंदन में थी, अभी मुझे साई बाबा कहाँ दिखेंगे. मैं उस वक्त सेंट्रल लंदन में थी और मैं एक ऐसे रास्ते से जा रही थी जहाँ पे सिर्फ एक ही इंडियन शॉप था. इट वॉज कॉल्ड साई ग्रोसरी स्टोर्स. वाई वुड दैट हैपन? राइट. कई बार होता है. तो इट इज़ सो वियर्ड. तो ऐसे बहुत बार मैं साई को टेस्ट करती हूँ कि अब दिखाओ मुझे. सडनली एक वैन सा आ जाएगा बीच में, कहीं से पता नहीं, और उस पर ओम साई राम लिखा हुआ. मैं ट्राई करती हूँ उनको. मैं भी बिग बॉस को बुलाती रहती थी, बिग बॉस अगर हिम्मत है तो इधर आओ. बट बड़ी बात है, आपने बिग ब्रदर जीता है, हम साला बिग बॉस नहीं जीतता है. आपने जो लोगों के दिलों को जीता है वो सबसे बड़ी जीत है. बट वो दिल जीतना क्या होता है, वो ट्रॉफी भी तो मैटर करती है ना यार. ऐसा कुछ नहीं है, एक लगी हो ऐसे है ना, ये है मेरी. जो जीतता है उनको याद नहीं रखते, जो जीत के बाद उस जीत से और भी कुछ बड़ा करते हैं उनको लोग याद नहीं. लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने ये कहावतें सारी सुनी हुई है
लेकिन आपके पता है मेरे साथ कब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फर्स्ट आना कितना ज़रूरी है? जब हम लूडो खेलते हैं ना चार नंबर, आपको पता है बंदे की पूरी जी जान लग जाता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, ठीक है? और जब वो हारने वाला होता है ना इंसान, चीटिंग भी करो, इसका मार, सब मैंने देखा, वो फर्स्ट की वैल्यू होती है, बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ हो जो मर्जी हो, फिर क्या फायदा? जो बेइज्जती होती है ना लूडो में हारने की, वो किसी चीज में नहीं है। मेरे इधर ही कस्टमर बैठे हुए जो मेरे साथ खेलते हैं, बहुत आप वो मेरी फीलिंग समझते हैं जीत हारने की कितनी। वहां से मुझे फील हुआ क्या जीत हार यार जीतना जरूरी था। कुछ ना फीमेल्स है उनके हस्बैंड के नाम बताने हैं आपको। अच्छा, हाँ, वो जो फीमेल्स है आप उनको जानते हो एक्चुअली। यस, दे आर वेरी क्लोज टू यू। अच्छा, या अच्छा, चकना तारू ये पिक्चरों में ही मैंने सुना है। आंसर ऐसे दिया जैसे बड़े प्रोफेशनल शराबी होते हैं, उसी टाइम ही चकने के बाद दारू। विस्की बोलना चाहिए नहीं, दारू अच्छा है, दारू। यहाँ से पता चलता है आप पंजाबी भी हो। पंजाबी से शादी की है मैंने। कढ़ी 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 चावल सही। केला चिंता ये लंगूर हाँ दोनों सही है। बूंदी लड्डू हाँ राइट। चंडी बनियान नॉट बैड नॉट बैड। कोई भी चीज कर लो। घाघरा चोली हाँ सही है। अरे आरंगी है सॉरी घाजा पद्दी। ओ और भी बहुत गलत बोले ना भी, बाकी सब ठीक है। ठीक है बाकी सब ठीक है। अब मैं आपसे छेती दसो राउंड करते हैं आपके साथ एक ना। चूज वन फॉर रिलैक्सेशन, स्पा और योगा। हाय, योगा तो मैं करती हूँ लेकिन पूरी रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर कभी कभी स्पा। स्पा है ना, मजा आता है स्पा कराने में। वन फॉर वर्कआउट सॉन्ग, चुरा के दिल मेरा और तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दोनों बहुत स्लो है यार, एक ले लो आपके ही है आपका। मैं मुझे तो पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। कौन सा? मैं एमी वर्क, आई लिसन टू दिलजीत, आई लव इवन गुरदास मान। वाओ, नॉट जोकिंग, गुरदास जी के गाने बहुत मतलब इतने प्यारे हैं, इनके मीनिंग्स कितने डीप है। मुझे एक्चुअली बड़ो दुनिया दा सच्चे पातशाह गाजन से पातशाह वाहे गुरु जानो जी, आई लव हिज सॉन्ग्स, आई लव पंजाबी म्यूजिक। मीनिंगफुल सॉन्ग भी है वो, सही है। एक्चुअली मुझे हंसी पता क्यों आई, आपने क्या बोला था पहला नाम है? एमी वर्क। हाँ एमी वर्क है। माय हस्बैंड ऑलवेज कॉल्स मी एमी वर्क, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। चूज वन फॉर योर वेकअप कॉल, टी और कॉफी? गरम पानी। आई नेवर हैव टी ऑन एम्प्टी स्टमक, हमेशा गरम पानी नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी। What you explore more in the acting, superhero or villain? Superhero. यार आपको शाहरुख खान ने धक्का मार दिया था बाजीगर में, देखा है ना जोर से, वो भी नीचे गिरा दी, ऐसे गिराया कि मैं ऐसे उठ के आई ऊपर। आए थे? अरे उठ के ऊपर क्या नहीं आए, मतलब सक्सेस। अच्छा वो, हाँ मैंने कहा उठ के तो वहां तो मर गए थे। नहीं देखा, मैं मरी तो लोग और देखना चाह रहे थे। बट वैसे बोलते शाहरुख खान बहुत हम्बल है, बट आपके साथ अच्छा नहीं है। मेरी ग्रैंड मदर ने भी यही बात बोली थी मुझे, जब वो जिंदा थी बेचारी। फिर डिनर विद होम, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन? अमित जी, आई लव शाहरुख बट अमित। चूज वन इन फैशन, क्लासिक और बोल्ड ट्रेंडी? क्लासिक। वाइंड अप, आगे वाइंड अप भी लिखा है मैंने। वाइंड अप यार बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके सच्ची, बड़े मतलब लड़कियों में ना बहुत अच्छी वाइब लगी आपकी। बस वाइब की पैसे, वाइब की नहीं, वाइब के पैसे नहीं है एक्चुअली, वाइब के पैसे तो है, वाइब के नहीं है पैसे। वाइब से बंदा कनेक्ट कर पाता है, दूसरे बंदे का दिल जीत लेता है। वो बिल्कुल, लेकिन वही तो चीज है, जब
आप कहीं पे भी जाओ वो वाइब वो ऊर्जा लेकर जाते हैं. तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं काम के लिए जाऊँ या पर्सनली जाऊँ, वो वाइब और जो माहौल मैं क्रिएट करती हूँ वो सुखी हो. हाँ सच्ची. तो सुखी कब आ रही है? 22 सितंबर को. तो 22 सितंबर को सबको देखनी है सुखी, क्योंकि हमने जब बात की हम बहुत सुखी फील कर रहे हैं इनके साथ. ये सच में सुखी है, तो प्लीज इनको देखो यार, जाके मजे लो सुखी. बहुत प्यारी कहानी है. अगर आप एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, अगर आप एक पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं, प्लीज जाइए थिएटर में और हमें इनकरेज कीजिए. एक अच्छा टाइम आया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्मों के लिए इतने समय के बाद. तो प्लीज जाके एंजॉय करिए और सुखी रहिए. और इनका घोड़े के साथ वो भी देखिए. हाँ देखो यार, कितना सैक्रिफाइस किया है मैंने. या थैंक यू सो मच. थैंक यू शहनाज़. थैंक यू. बड़ा मजा आया.